मैरिज सर्टिफिकेट ये हम अलग अलग किन मतलब यानी तरीके से जो है मैरिज सर्टिफिकेट पा सकते हैं, इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, अगर हमें मैरिज सर्टिफिकेट निकालना है, हमें अप्लाई करना है, तो हम महाराष्ट्र में तीन तरीके से जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई कौन कर सकता है? तो देखो, यहाँ पर जो है वधू या वर दोनों जो भी अपने मतलब यानी एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में, वहां के जो नजदीक का जो निबंधक कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां से कोई कर सकता है। वधू भी कर सकती है या तो वर, एन ऐसा कोई बंधन नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो है कोई भी एक मतलब एक तो वधू करे या तो वर करे, और वो जो है कहाँ से करना है, तो वो अगर ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो उसके अनुरूप वधू अब भी अप्लाई कर सकती है। अगर शहरी क्षेत्र से है तो वधू या तो वर दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ग्रूम का, अगर समझो जो है सिटी विलेज जो है जो भी है वहां से भी अप्लाई कर सकता है। ब्राइड भी जो है अपने सिटी या विलेज की तरफ से अप्लाई कर सकता है। अभी अगर समझो वधू या वर ये ग्राम पंचायत एरिया में यानी ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो वो अप्लाई जो है अपने सरकार जो पोर्टल है वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई कैसे, हम ऑनलाइन कैसे करें, उसको ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आसान तरीका है। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपने सरकार पे नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है, और रजिस्टर्ड करने के बाद में जब आप ऑनलाइन करेंगे तब यहाँ पर जो है RD सर्विस जो है वहाँ पे आपको रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट इसके ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट की लिंक दिखेगी। यहाँ से इसे सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। ये बहुत आसान है। इसके अंदर जो है आपको इंफॉर्मेशन वगैरह भर के अप्लाई करना है, और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद सबमिट जब कर दोगे तब फिर आपको जो आपका ग्राम पंचायत है वहाँ पे ग्राम सेवक को मिलना है, और वो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका जो है वो देखेगा, और उसके बाद में आपको मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। अब उसे के तरह अगर समझो वधू या वर जो कॉरपोरेशन एरिया के अंदर अगर रहते हैं, तो वो संबंधित कॉरपोरेशन के वेबसाइट के ऊपर भी इसकी जो है मैरिज सर्टिफिकेट की लिंक आपको मिलेगी। अभी जैसे ये मुंबई महानगर पालिका है, उसके ऊपर भी जो है ये लिंक है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पुणे महापालिका है या जो भी औरंगाबाद महापालिका, कोई भी सभी महापालिका के वेबसाइट के ऊपर ये लिंक है। जैसे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट की लिंक रहती है, उसी की तरह जो है मैरिज सर्टिफिकेट की भी लिंक आप वहाँ पे देख पाओगे। अब यहाँ पे जो है जितने भी हम प्रोसेस, तीन प्रोसेस यहाँ पे है, तीनों प्रोसेस में जो है फॉर्म डी ये इम्पोर्टेंट रखता है। अब ये फॉर्म डी जो है देखो इस तरह से जो है हम ये फॉर्म डी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप हमें कर लेना रहता है। ये चार पेज का फॉर्म रहता है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स में जो देखो यहाँ पे है जो है वधू या वर इसका जो है आईडी प्रूफ मतलब इन्हें देना है। उसमें आईडी प्रूफ में तो आप स्कूल का LC, पासपोर्ट, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, या तो फिर SSC का सर्टिफिकेट, या तो डोमोसाइल सर्टिफिकेट, तो ये हो गया तुम्हारा मतलब इन्हें जो तुम्हारा एज प्रूफ है ये उसके लिए है। अब एज के अंदर जो है रेसिडेंस प्रूफ के अंदर जो है आपको फिर यहाँ पे रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, या पासपोर्ट, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, या तो ये भी दे सकते हो। अब उसी के साथ में आप जो है तीन जो साक्षीदार है, जो तीन विटनेस है, उनका भी जो है आपको रेशन कार्ड आपको देना जरूरी रहता है। आपको जो है मैरिज की जो लग्न पत्रिका बोलते हैं जिसे, तो इनविटेशन, मैरिज इनविटेशन कार्ड जो है वो अगर आपका है तो वो आपको देना है। अगर नहीं है तो फिर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उसका ज्वाइंट डिक्लेरेशन का एक अफिडेविट आपको देना रहता है। उसके बाद में साक्षीदार के फोटो जो है, तो वधू वर के साथ में साक्षीदार के भी फोटो लगने वाले हैं। और उसके बाद में फिर जो है जो भी तुम्हारा मैरिज जिसने मतलब मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, वो पुरोहित हो या भटजी हो या काजी हो, इनकी जो सिग्नेचर वहां पे जरूरी रहती है। और ये जब भी ये मतलब मैंने प्रोसेस करेंगे तब वहां पर जो है
वधू और वर के साथ में जो तीन साक्षीदार है वो वहाँ पे अटेंड रहना जरूरी है, तभी जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और उसी के बाद में आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस है, 100 से लेकर 150 रुपया तक चार्जेस रहते हैं, तो वो चार्जेस आपको ऑनलाइन पे करना रहता है और उसी के साथ में तुमको एक अफिडेविट देना रहता है। और ये अफिडेविट जो है आप इंग्लिश में दो या तो फिर हिंदी में मराठी में दो, तो ये अफिडेविट के अंदर जो है आपको मतलब मैंने इन शॉर्ट आपको ऐसा लिखना है कि हमारा जो है विवाह जैसे हिंदू अगर है तो हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ अमुक अमुक डेट को, और हमारा जो विवाह के अंदर जो है हमने कोई भी जो है हुंडा का लेन देन ये नहीं हुआ है, ऐसा करके आपको अफिडेविट देना रहता है। अगर मुस्लिम है तो उसने फिर आने मुस्लिम धर्म के अनुसार जो है ये विवाह निकाह संपन्न हुआ है और इसके अंदर भी कोई जो हुंडा का कोई व्यवहार लेन देन नहीं हुआ है, ये आपको वर्डिंग उसमें लिखना है। अभी ये जो तीसरा है, अभी पहले हमने देखा जब हम कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हम जो है अपने सरकार पोर्टल से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और हमारा जो ग्राम पंचायत है वहाँ से जो है वो हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप मतलब मैंने कोई कॉरपोरेशन एरियाज में रहते हो तो वो कॉरपोरेशन एरिया के वेबसाइट के ऊपर आप मतलब मैंने जाओगे तो वो वेबसाइट के ऊपर भी लिंक है, वहां से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब तीसरी जो प्रोसेस है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की प्रोसेस है, इसमें मतलब मैंने तुम ग्रामीण क्षेत्र से रहते हो या शहरी क्षेत्र से, सभी मतलब मैंने ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको igrmaharashtra.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पर जो है आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्विस यहाँ पे आपको दिखाई देगी, यहाँ पर आने के बाद में ऑनलाइन मैरिज एप्लीकेशन ये करना है, उसके बाद में फिर जो है एंट्री के अंदर आपको जो है ये फिलअप कर लेना है, तो जो भी आपका मैरिज टाइप है वो करने के बाद में ये आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। और इसके अंदर जो ये ऑफिस जो है जनरली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कलेक्टर जो ऑफिस रहता है उसी कैंपस के अंदर ये ऑफिस रहता है, आपको जो भी डेट आपको दी जाती है उस डेट को आपको फिर है जो है जाना पड़ता है आपके विटनेस के साथ में, और वहाँ पे जो है आपका ये विवाह जो प्रक्रिया है ये संपन्न होती है और उसके बाद में आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये तीन प्रकार से हम जो है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।